एक बार आपकी इजाजत से, एक बार मैं बाकी सबसे ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सतीश जी, वो जो आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हमको लगता है कि जो चैलेंजर हो जाता है, चुनौती देने वाला होता है, वो 24 महीने पहले अपनी पूरी तैयारी खत्म कर देता है। ये तो एक सीट का एडजस्टमेंट तक नहीं कर पाए, अभी तक वो घोषित नहीं कर पाए। वो लोग तो होली खेल रहे हैं दिल्ली में, आरजेडी के नेतागण, पूरा लालू परिवार दिल्ली में होली खेल रहा है। सुनिए मेरी बात, इनका जो है एजेंडा विधानसभा चुनाव है। हमको नहीं लगता इनको लोकसभा से कोई लेना देना है, मुझे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है। यही चीज आपको कई जगह दिखेगी, अदृश्य शक्तियां बहुत हावी हैं। कोई एक एक जगह से दो दो आदमी आ जा रहा है, फिर वापस चला जा रहा है, वो भट जा रहा। मैं नहीं कह रहा कि भाजपा में भी नहीं है पांच अदृश्य शक्तियां, क्या बहुत सारे के काम होते हैं ना पॉलिटिक्स में, कैसे कैसे चलता है आप समझ रहे ना, क्या क्या होता है आजकल। देखिए सब कुछ हो गया लेन देन, गिव एंड टेक, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, उसके आधार पर चीजें होती हैं। हम कोई बयान भी देते हैं तो हम भी सोच समझ के देते हैं कि इससे आपका फायदा कराना है, आपका घाटा कराना है। गिव एंड टेक पर चल रहा है सारा मामला। तो ये बयान से लेके सीट से लेकर के और इधर से छड़पा छड़पी जो चल रहा है, तो इससे तो ज्यादा, देखिए भाजपा से भी कुछ लोग आए हैं इधर कांग्रेस में, लेकिन ये छड़पा छड़पी तो ज्यादा INDIA में है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये बिहार में गठबंधन है कि नहीं। महाराष्ट्र का अभी तक अटका हुआ है। ओके, पहले फेज का आप चुनाव पर आज निर्णय ले रही हैं, अभी भी जैसे उत्तर प्रदेश का है चाहे बिहार का है, अभी क्लैरिटी है क्या? चुनाव राजस्थान में भी है पहले फेज में, जैसा मैंने देखा है मध्य प्रदेश में, पूरा तमिलनाडु है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, जो विरोधाभास पर ये भारतीय जनता पार्टी को आप थोड़ा सा एक जगह दोगे ना, तो पूरा जगह कब्जा कर लेंगे। ये तो आपको लड़ने भी नहीं देंगे, और लड़ने तो वो आपको लड़ाते रहेंगे। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड, और उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। वो आजम खान का क्या हुआ? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि जनता उनको वोट नहीं दे रही है, तो उनके पास खबर नहीं है। तो खबर क्या है? देखिए समाजवादी पार्टी से दो लोग पहुंचे। अरे भैया वो आपको पता चल जाएगा अभी आधे घंटे में, वो हमारी स्ट्रेटेजी आप कैसे जानेंगे? रावपुर से तो, अरे भाई अपना बताओ ना, आपके यहाँ तो चुनाव लड़ने से मना कर देते पहले ही, भैया हमको टिकट नहीं चाहिए, हम नहीं लड़ेंगे भैया, हम सरेंडर हैं। और जिनको आप दे देते हैं वो उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं भैया मेरी अंतरात्मा कह रही है कि हम नहीं लड़ेंगे, तो वो ऐसे लौटा देते हैं। तो अपनी बात करो ना, लेकिन ये बात नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है क्या? मुद्दा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटियों और महिलाओं का अपमान लगातार करते आ रहे हैं, इस पर चर्चा ही नहीं कोई करना चाहता। अब सम्राट चौधरी जो बात कही है, एक पिता पुत्री का रिश्ता ईश्वरीय रिश्ता होता है। एक एक पुत्री को किस तरह से पिता पाल के बड़ा करता है, आपने देखा हो, पिता खुद पैदल चलता है, अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा में या स्कूटी में अपनी स्कूल छोड़ता है। वो बेटी बड़ी होकर अगर अपने पिताजी की मदद करती है तो क्या लेनदेन हो गया? ये रिश्ता लेनदेन का कहलाएगा? ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेता की होगी, और कोई इस्तीफा भी नहीं देगा, और उसके बाद बीजेपी बोलेगी भी नहीं। इसी तरह से दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, उन्हें एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, अब मैंने पूरा बोलने का मौका दे दिया आपको, क्या बोला उन्होंने बताइए? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई कर सकता है? लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी, बोलेंगे बढ़िया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। मंडी में भाव पूछिए आप। हाँ अब मैं बोलूं, मैं जवाब दूं? हाँ बोलिए, जवाब दूं मैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, जो ये हुआ गलत है, मेरी हिम्मत है कहने की गलत है, और उन्होंने इस पे माफी मांगी, डिलीट भी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहेंगे क्या, विक्रम कहेंगे क्या सम्राट चौधरी ने गलत किया? बोलिए कहें, हम तो कहते हैं सुप्रिया सिंह के अगर ट्विटर हैंडल से हुआ है तो गलत है। सर सुनिए, आपको मैंने, आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, बार बार वही कहेंगे, एक ही बात कहेंगे, इस बात से माफी मांगी। ठीक है, सुबोध कुमार मेहता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बोल दीजिए, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और राष्ट्रीय लोकमंच के भी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। सुबोध कान मेहता, देखिए रुपिका जी, भारतीय जनता पार्टी हार को देखते हुए अनर्गल बयाने करती है, जैसे जैसे कि अभी जो है सतीश केसिंग जी कह रहे थे कि इनके पास क्या है। देखिए ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, अगर उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी अलायंस मजबूती के साथ चल रही है, कुछ दिखते हैं वो सॉल्व हो जाएगी। आप देखिए 402 टिकट का अनाउंसमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, 402 टिकट में 238 टिकट सिर्फ जो है उन लोगों को दिया है जो कि समाज में मात्र 10% लोग हैं।
जो ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, ये बहुजन समाज है, बहुजन समाज में इनका जो है सिर्फ वोट लेने का काम किया, महिलाओं को इन्होंने टिकट नहीं दिया है। अब बात ये मंडी का करते हैं, बिहार में एक महिलाओं का नहीं दिया है, पूरे भारत में मुस्लिम को नहीं देते हैं ये लोग टिकट। तो आप ये बता दीजिए हमको कि ये तो जो है सेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, ये पॉलिटिक्स इस तरीके का पॉलिटिक्स जो है संविधान में, ये बहुत बढ़िया आपका मुद्दा है, मैं कह रही हूँ ये बहुत बढ़िया मुद्दा है कि सेक्टोरियल ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, मुसलमानों को एक को वोट इन्होंने नहीं दिया, बनाइए ना इसको मुद्दा, क्यों नहीं बना पा रहे? हाँ, टिकट नहीं दिया मुसलमानों को, आप बनाइए ना, हम तो मुद्दा क्यों नहीं बना पाते? देखिए आप तो, आप मैं क्या कह रही हूँ सुबोध जी, एक सेकंड, आप समझदार व्यक्ति नजर आ रहे, मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रही हूँ आपको, आप लोग आपस में ही भिड़ेंगे तो अजय आलोक से कैसे लड़ेंगे? एक बहुत सिंपल सा पॉइंटेड सवाल है, बनाइए मुद्दा कि क्यों मुसलमानों को बीजेपी जो है टिकट नहीं दे रही है, बनाइए मुद्दा कि क्यों आपस में काट रही है, मार रही है, या जो भी आप लोग आरोप लगाते रहते, बनाइए तो सही ना, जमीन पर लगे तो सही कि मुद्दा है। अरे देखिए, सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है इसी बात को दोहराया है उन्होंने, जो महिलाओं के ऊपर जो अनर्गल बातें किया है उन्होंने, वो महिलाओं को क्या दर्शाता है भाजपा, ये बता रही है किस तरीके से सर, वो नहीं हो पाया, क्यों आप लोग जमीन पर इसी आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो मुद्दा ही नहीं बना पा रहे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सुबोध जी, अब एक हमारा मुद्दा डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का है, देखिए अब आपने अभी गोल पोस्ट कर दिया चेंज, कभी कह रहे हैं ये है, कभी कह रहे हैं वो, अभी कह रहे थे कास्ट पॉलिटिक्स, अभी फिर आप कह रहे हैं डेवलपमेंटल, आप डिसाइड कीजिए ना अजय आलोक, डेवलपमेंट और कास्ट में आप अंतर क्या समझते हैं? सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, आप लोग इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं ना सुबोध जी, ऐसा लग रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी में हूं और आप लोग बड़े से क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं, आप दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग लेक्चर दे रहे हैं, आपके पास टाइम है लेक्चर देने का? अरे रणनीति पर बात कीजिए ना अभी, देखिए पहले ओके सुबोध जी आ रही हूँ, सुबोध जी अभी सुबोध जी ने भी बहुत बात कही, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स तो कास्ट पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही बात है, बड़ा डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स कर रही है आरजेडी। देखिए तो परिवार का कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, एक बेटी छपरा से लड़ेगी, दूसरी बेटी लड़ेगी पाटलिपुत्रा से, परिवार का डेवलपमेंट है, एक पुत्र डिप्टी सीएम है, दूसरा पुत्र मंत्री था, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। लालू परिवार के परिवार में 11 आदमी, नहीं एक मिनट, एक सुबोध जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, लालू परिवार में कुल आदमी 11 में 6 राजनीति में पदों पर, बहुत अच्छा डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है। बाकी बिहार में तो यादव है ही नहीं ना, यादव तो सिर्फ एक ही परिवार के हैं, लालू परिवार के बिहार में, और यादव दूसरे परिवार में है उत्तर प्रदेश में सपा में, भतीजे को लड़ाना चाहते हैं रामपुर, उसके लिए आजम खान तैयार नहीं है, तो इसीलिए अखिलेश और आजम खान की ठन गई है, अखिलेश चाहते थे, आजम चाहते हैं कि अखिलेश खुद लड़े, अखिलेश मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, किसी सीट पर लड़ने की ताकत नहीं बची है, अरे और तो और मैनपुरी से भी नहीं लड़ना चाहते हैं भाई, तो इसमें हमारी कहाँ गलती है? आप खुद इतने डिसऑर्गेनाइज हो चुके हैं, आपका मनोबल टूट चुका है, जनता आपके साथ है नहीं, जनता देख रही है भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, मोदी जी कैसे आगे ले जा रहे हैं, okay. उसमें बीच में आप लोग झूठ मूठ का इधर उधर, कभी धर्म, कभी इसका टीका, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, पता दिया आपको 14 उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुसलमानों को तो लेक्चर दे दिया, पर ये बताइए 370 जो आप कह रहे हैं वो लाएंगे कहाँ से? भाई आप तो अपने जिसे कहते हैं ना बेस्ट जेनिथ पर पहुंच चुके हैं, अब वहां से और कौन कितना ऊपर जाएगा, कहां से आ रही है वो सीटें? मेरे ख्याल से 70 के ऊपर एक्स्ट्रा सीटें चाहिए अगर आपको उस बेंचमार्क पर पहुंचना है, तो कहां से आएंगी सीटें? मैं तो आपको ऐसे ही जुड़वा दूंगा, 70 से ऊपर कहां में आएंगे, यूपी में हम 62 हैं, 15 सीटें और बढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हम सेम के सेम रिपीट करेंगे, बंगाल में हमारी कम से कम 12 सीटें और बढ़ेंगी, हम 30-35 के बीच में रहेंगे बंगाल में, तो 15-15-30 तो यहीं से बढ़ गई, उड़ीसा में हमारी सीटें बढ़ेंगी, 4-5 सीटें बढ़ेंगी, पूरा का पूरा दक्षिण में हर राज्य में हमारी सीटें बढ़ने जा रही हैं। हाँ। अरे 400 बहुत कम है रूपिका जी, सरप्राइज मत होइएगा अगर 450 पहुंच जाए तो। हाँ, मतलब 400 तो है ही है। हाँ। 450 पहुंच जाए तो सरप्राइज मत होइएगा। ओके, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं और राष्ट्रीय लोकमंच के माधव आनंद भी बने हुए। माधव आनंद, आप कुछ कहना चाह रहे थे और उसके बाद हर्षवर्धन जी आपका रुख करेंगे। रूपिका जी देखिए, पूरा विपक्ष कंफ्यूज है, और कंफ्यूज ही नहीं, एक फ्यूज बल्ब की तरह है, जिस तरह फ्यूज बल्ब में कोई रोशनी नहीं होता है, उसी तरह विपक्ष में कहीं रोशनी दिखाई नहीं पड़ रही है, जनता में कहीं भी रोशनी नजर नहीं आ रही है अपोजिशन पार्टी में। आप लगातार देख रहे हैं अनुराग भदौरिया से आप क्या पूछ रहे हैं, उनके चेहरे के अगर हाव भाव को आप देखेंगे तो वह भी आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं।
यानी कहीं कोई सामंजस्य नहीं है, फ्यूज्ड बल्ब के तरह है और लगातार ये लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए का कुनबा एकजुट है, हम लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई हम लोगों में मतभेद नहीं है, न मनभेद है, एक स्वर से हम लोग लगातार जो है सो काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, न इनकी नीति है, न नियति है, न इनके पास नेता है। और जनता इस बात को भली भांति समझ रही है कि देश हित में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना तय है और जनता इस बात को आशीर्वाद के रूप में देने का काम करेगी। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो यह आपको भी पता चल जाएगा। जी बताइए रूपिका जी, कुछ कर रही हैं आपकी सीट से अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं? रूपिका जी आपकी सीट से अब तक उम्मीदवार क्यों नहीं, उसका ऐलान क्यों नहीं? मेरे सीट से तो हम लोग जो एनडीए के घटक दल हैं, हमारी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। एक सीट हम लोगों को गठबंधन के तरफ से मिला है कि गठबंधन में स्वाभाविक है जब कुनबा बढ़ता है तो सबको त्याग करने की आवश्यकता होती है। जब चाचा नीतीश कुमार जी गठबंधन में आ गए तो स्वाभाविक था सभी को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ा, तो चिराग जी को भी त्याग करना पड़ा, हम लोगों को भी त्याग करना पड़ा। बस आंखों में आंसू नहीं आ रही है, गजब की त्याग भावना है। सुबोध जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अनुराग भदौरिया लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया को जो मुद्दा उठाना चाहिए वो उठाया नहीं जा रहा है। अगर मीडिया वाकई सुप्रिया श्रीनेत वाला कंगना रनौत को मुद्दा उठा लेती तो कहते देखिए आप वही मुद्दा उठा रहे हैं। ये बाकी जो सारे बयानबाजी करते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हुए बाद में आए ना, ये मुद्दा बनता, लेकिन शुरुआत किसने की है? क्या मीडिया पर आरोप लगा देने से चुनाव जीत लेगी विपक्ष की तमाम पार्टियां? रूपिका जी सबसे पहले तो ये कि अगर आज आप डेवलपमेंट इकोनॉमी इस पर बात करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट वो जीडीपी का 1.2% रह गया है। अब मैं नहीं जानता हूँ कि इस पे जो भी नेतागण लोग हैं इनमें से कोई बात करने की इच्छा रखेंगे क्या, जीडीपी का 1.2% ये रिकॉर्ड लो है। मतलब अगर हम कहें कि चालू खाते का घाटा इतना बढ़िया हो गया है और एफडीआई भी रिकॉर्ड पर चला गया है, ये दो खबरें हैं जो इकोनॉमी के लेवल पर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी बात हो। अगर कोई अभी बात करने लगेगा कि इस देश में जो अगर 2014 से अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करने लगेंगे तो अनुराग भदौरिया फिर कुछ और बताने लगेंगे या दूसरे कुछ और बताने लगेंगे। जवाब दूंगा, लेकिन क्योंकि आपने जो विषय पूरी तरह से आज का राजनीतिक विषय है, आज नामांकन का आखिरी दिन है पहले चरण का, और देखिए कोई कुछ भी कहे लेकिन जनता को दिख रहा है किस तरह से रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी तक तय करने की स्थिति में नहीं। जनता को दिख रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, संजय निरुपम, संजय राउत, वंचित बहुजन अघाड़ी वो लड़ रहे हैं। जनता को दिख रहा है कि कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू चले आते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील और डॉक्टर हर्षवर्धन इसी मसले पर अब मैं इस डिबेट को आगे ले जाना चाहती हूँ।